हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज संडे है जो इसका काफ़ी वेट रहता है, क्योंकि इस दिन हम राइड पे जाते हैं। और अब सोचा थोड़ा कैमरा फेस करना भी शुरू कर दें, क्योंकि कब तक हेलमेट के पीछे रह के बात करेंगे। तो कैमरे के आगे तो आना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इसको, 5 मिनट इसको छोड़ते हैं। हेलो एवरीवन, और राइड के लिए निकल गया हूँ मैं घर से। राहुल पहुँच गया है, मैं लेट हो गया हूँ। दिक्कत ही दिक्कत। अब वो सोचेगा कि भैया तो हर बार लेट हो जाते हैं, बट बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तो राहुल ऑलरेडी पहुँच गया, मैं हो गया लेट। अब थोड़ी सुननी पड़ेगी, सुन लेंगे। वो लेके आया नया हेलमेट। बढ़िया भाई, हो गया लेट में कितना, 20 मिनट। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी राइड। और आज की वीडियो थोड़ी शेकी होगी, और वाइड एंगल ऑन नहीं किया है, क्योंकि वाइड एंगल में यार क्वालिटी उस हिसाब की आती नहीं है। तो उस वजह से आज 60 FPS पे शूट करके देख रहे हैं। अगर सही रिस्पॉन्स आता है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको आगे, न्यू रोड न्यू राइड। ओके, आज की राइड अपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुई है, क्योंकि इस टाइम तक तो हम बहुत आगे निकल जाते थे, और अभी तो 8 बज चुके हैं और अभी हमारी राइड शुरू ही हुई है। और फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अब दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं। इसका एंगल सेट नहीं हो रहा, और इसका जो माउंट है वो भी कई बार ज़्यादा हवा की वजह से वो घूम जाता है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो गोप्रो भी आ जाएगा, बस एडजस्ट कर लेना थोड़ा इस बार। बाकी 100p 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ आज में से, तो क्वालिटी सुधर जाएगी काफ़ी ज़्यादा, बट स्टेबिलिटी उतनी खास आएगी नहीं, क्योंकि वाइड एंगल में क्वालिटी नहीं आती, लेकिन स्टेबिलिटी सही आती है, और स्टेबिलिटी की वजह से ही वीडियो सही दिखता है, इतना ज़्यादा लैक नहीं होता और इतना ज़्यादा हिलता नहीं है। लेकिन इसमें हिलेगा, अगर मैं थोड़ा सिर भी हिलाऊंगा ना अपना, ये देखिए, तो भी वीडियो हिलेगी। और अगर मैं अल्ट्रा स्टडी ऑन कर देता हूँ तो उसमें और ज़्यादा जूम हो जाएगा, या फिर ना तो सामने का फ्रेम आएगा ना तो बाइक का फ्रेम आएगा, और जूम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो ये वाला वीडियो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी का आगे से सुधार। सो राइट नाउ फ्रेंड्स, वी आर ऑन मुजफ्फरनगर हाईवे। तो यही बन के तैयार हुआ नया, आज इसी पे चलाते हैं बाइक, क्योंकि ये पूरा खाली मिलेगा हमें।
राहुल भी आ गया क्योंकि इसका थोड़ा कैमरा एंगल का इशू हो रहा था। ये खड़ी अपनी लैला, तो चलते हैं। उम्मीदों पे फिर गया पानी, क्योंकि इन्होंने आधा बंद कर रखा है बीच में, क्योंकि ये कुछ पुलिया वगैरह बना रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं वापस अपने उसी रोड पे, क्योंकि वो तो बंद निकला यार, सारे अरमान ठंडे पड़ गए हमारे। तो सोचा था थोड़ा भगाएंगे उस पर, खाली रोड होगा बिल्कुल, बट उन्होंने तो वो बीच में ही बंद कर रखा है। तो अपन इसी पे भगा लेते हैं, थोड़ा रूल रेगुलेशन के हिसाब से इतनी लिमिट है, क्योंकि वहाँ तो कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ था। अपन ने इसका काम करा दिया है और आज हम फंस चुके हैं, नाका लग चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। खैर कोई नहीं, वी आर स्टक। देखिए ट्रक्स के चलान हो रहे हैं, बट हम तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं ना। धीरे धीरे मैं कैमरा फेस करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरा से आया हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा फेस बहुत कम दिखता है, बहुत कम। मैं अपना सीधा जो मोटो ब्लॉग है सीधा बाइक पे स्टार्ट करता हूँ, बट आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा कैमरा भी फेस करना शुरू कर दूँ, क्योंकि हेलमेट के पीछे से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार हमको कैमरे के सामने भी आना पड़ता है, पब्लिक को पता भी लगना चाहिए कि हाँ भाई कौन है, किसका चैनल है, ये सब। तो इसी वजह से कैमरा फेस करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रिप पे जाएंगे तो सब कुछ सामने का ही नहीं, खुद का भी दिखाना पड़ेगा, खुद को भी दिखाना पड़ेगा। करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो नाश्ता अपन ने कर लिया, काफ़ी बढ़िया था, मिक्स पराठा और चाय, काफ़ी बढ़िया चाय बनाते हैं ये। चलते हैं घर की तरफ, राहुल रह जाएगा यहीं, उसको कुछ बात करनी है अपने फ्रेंड से, तो अपन यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ रही आज की अपनी संडे राइड, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिट रहें, खुश रहें। सी यू सून गाइज़।